इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ ए और एंड के बारे में बताएंगे कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एंड का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए दोनों की जो मीनिंग होती है वो एक ही होती है, लेकिन इसका जो यूज होता है डिफरेंट टाइप से होता है। देखिए ए का प्रयोग जनरली कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। अगर कहीं पर वर्ड की स्टार्ट में अगर लेटर की जो स्टार्टिंग होती है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहां पर हम एक की जो मीनिंग होगी वो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और अगर कहीं पर हमारा स्टार्टिंग वर्ड की जो है वावल से हो रही है तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो एक की मीनिंग अगर लिखना तो वहां पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देखिए और आपको इसमें एक मोर इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि वर्ड की जो स्टार्टिंग होगी वो तो होगी वावल से, लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कॉन्सोनेंट से होगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पर हम जो एक की मीनिंग होगी वहां पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और देखते हैं और एक भी होता है, कहीं पर क्या होता है कि वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है लेकिन वहां पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे हो रहा है, वावल से हो रहा है। तो वहां पर हम जो ए की मीनिंग होगी वो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देखिए आपको रूल्स है कुछ, आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दिखाई पड़ा है, रूल्स आपको बताएंगे उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए क्या है रूल्स, जो शब्द वावेल्स ए ई आई ओ यू से शुरू करके लिखे जाते हैं उनसे पहले ए के लिए अंग्रेजी क्या लगाते हैं, एन लगाई जाती है। फिर क्या है, या किसी शब्द का उच्चार वावेल से हो तो भी वहां पर एन का यूज किया जाता है। देखिए पहले आपको ईज ऑफ ए, जैसे क्या, ए ट्री, ए कंट्री, ए लिजार्ड। फिर देखिए यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहां करेंगे, एन आइसलैंड, एन इमेज। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मोर इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ई है, ई क्या है, वावेल है, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है। इससे हो रहा है कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए, एक की जो मीनिंग थी वो क्या है, ए। एक की जो मीनिंग लिखी गई यहाँ पर वो क्या है, ए, क्योंकि जो यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, देखिए जो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्या है, ई क्या है, ई यूरोपियन है। क्या लिखा है, यूरोपियन। अगर आप हम इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करते हैं क्या पहले क्या होता है, यू होता है। यू को हम क्या करते हैं, अगर इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि है तो क्या हो, है तो इसकी स्टार्टिंग भाई वापस से, लेकिन यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर ए लगाया। क्यों लगाया, यहाँ पर जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो किससे हो रहा है, वो हमारा कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर यूरोपियन के जगह पर ए की जो मीनिंग है ए लिखे। क्या लिखे हैं, ए लिखे। फिर देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट क्या लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई है, यच से हुई। यच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। यच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो वावेल से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एन का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एन और, एन और, और क्या है यहाँ पर, देखिए जो इसका हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे हो रहा है, वावेल से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर तो यच का है ना, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एन का, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो वावेल से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक की मीनिंग हुई एन लगाई। ठीक है, देखिए हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगर इसमें कोई भी क्वेरी होगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।